सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पे रख देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप सरसों के तेल के बदले कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी बनती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है तो इसे बहुत अच्छे से गर्म करना होगा, वरना तेल का स्मेल रह जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच खड़ा जीरा। जीरा को थोड़ा छिटकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पर बारीक काटा हुआ है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्का गोल्डन हो जाए, इसमें हम छिले कटे हुए आलू डालेंगे। आलू आप अपने हिसाब से छोटा या मीडियम काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे मीडियम साइज़ में काटा हुआ है और ये लगभग 400 ग्राम के करीब आलू है। आलू को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में चलाते हुए प्याज के साथ फ्राई करेंगे। आलू यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन हो गया है। अब हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर कम डालें वरना सब्ज़ी पीली पीली दिखेगी। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच भरकर जीरा का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भरकर धनिया का पाउडर और नमक 1 छोटी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन सबको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब आप यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर दें। आप बीच बीच में चाहें तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लगभग 1.5 मिनट के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने बारीक कटा हुआ है। फिर इन सबको 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाले को अच्छे से स्क्रैच कर लें नीचे की ओर, ताकि तले में मसाला बैठे नहीं। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर तेल छोड़ चुका है और मसाले में एकदम स्मेल ख़त्म हो गया। तो इसमें अब हम 1 कप गर्म पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप इसको कढ़ाई में नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक का प्रोसेस आप डायरेक्ट प्रेशर कुकर में फॉलो कर सकते हैं, और आपको इसमें 1 ही सीटी लगानी होगी। अभी हम इसको ढककर लो मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पाँच मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे, सब्जी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सब्ज़ी हमारी 70% ही कुक हुई है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 200 ग्राम के करीब मटर। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। इसमें ग्रेवी अभी कम हो गई है, तो अभी हम इसमें फिर से 1.25 कप के करीब गर्म पानी डाल देंगे और एक बार मिला लेंगे। अब इसे हम फिर से ढककर लगभग 4 मिनट के करीब पकाएंगे या फिर पूरा गल जाने तक। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक आलू को चेक कर लेंगे काटकर। इस तरह आलू देखिए हमारा गल गया है बहुत अच्छे से, और मटर भी यहाँ पर हमारा अच्छे से नरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर। इसको मिला लेंगे और 1 मिनट तक पकाएंगे। एक मिनट के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल लेंगे। इसको मिला लेंगे और गैस को तुरंत ही बंद कर देंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद, गैस को बंद कर देने के बाद, अब हम इसे ढककर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद ही सर्व करेंगे इसे। तो आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ कचौरी के साथ। आप इसे पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। देखने में लग रहा है ना एकदम ढाबे के जैसा, और हाँ सच में ये ढाबे के जैसा ही बना है, ये देख सकते हैं आप।